नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। इस बार के लोकसभा चुनाव में कुछ ऐसी पार्टियां रही हैं जिनको बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, अगर बात कर लिया जाए मायावती, स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, अपर्णा यादव, ऐसे तमाम नाम रहे हैं जिनको इस बार के लोकसभा चुनाव में या तो दरकिनार कर दिया गया या तो फिर उनकी दाल नहीं गली। उसमें एक नाम आया था स्वामी प्रसाद मौर्य का है। जी हाँ, आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर सीट पर अपने प्रत्याशी के तौर पर खुद का नामांकन करते हैं, लेकिन उनका दांव उल्टा पड़ जाता है। मात्र 24,000 वोट स्वामी प्रसाद मौर्य को मिलते हैं और कहीं ना कहीं उनकी हार का जो बड़ा जो कारण बन के निकल कर आता है वही आता है। वहीं चंद्रशेखर आजाद रावण की बात करें तो कुशीनगर सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य की मदद के लिए पहुंचते हैं और उनके लिए चुनाव प्रचार भी करते हैं। वहीं पल्लवी पटेल भी जाती हैं और उनके लिए चुनाव प्रचार करती हुई नजर आती है, लेकिन उसका कोई खासा इफेक्ट जो है वो देखने को नहीं मिलता है। उसके पहले आपको बता दें, जब कुशीनगर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य ने नामांकन नहीं दाखिल किया था तब वो मायावती का रुख करना चाहते थे, लेकिन कुछ सीटों को लेकर अनबन की वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती के साथ जाना मुनासिब नहीं समझा और यही कारण है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को करारी हार का सामना करना पड़ा। और कुशीनगर सीट पर जिस तरीके से दलितों का एक वर्चस्व माना जाता है, वो सारा वोट बैंक जो है वो सपा के खाते में जाता हुआ दिखाई दिया। ऐसे में अब फिर से माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव है और उपचुनाव है और मायावती अब स्वामी प्रसाद मौर्य को एक और मौका दे सकती है। ये बात इसलिए निकल कर आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने 25 सालों तक बीएसपी में काम किया है, मायावती के साथ काम किया है। ऐसे में मायावती को भी अब ऐसे ही एक कद्दावर नेता की जरूरत है जो उनकी पार्टी को संभाल सके। और आकाश आनंद की बात किया जाए तो आकाश आनंद जिस तरीके से अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहे, माना ही जा रहा है कि अब अगर स्वामी प्रसाद मौर्य आ जाते हैं तो उनको वो बड़ा पद दे दिया जाएगा कि कहां पर किस तरीके से स्पीच देनी है, किस तरीके की। हालांकि अगर देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। खासकर तो कई बार तो ऐसा हुआ है कि कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य मार खाते खाते बसते हुए नजर आए, तो ये कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है देखा जाए तो उल्टा भी पड़ सकता है मायावती के लिए। वैसे में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी का रुख करते हैं तो जाहिर तौर पर मायावती का जो दलित जनाधार है वो शायद थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ नजर आए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का जो बढ़ता हुआ कद है, जो सामाजिक मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं मायावती अगर पकड़ लेते हैं, आकाश आनंद वो मुद्दे पकड़ लेते हैं या स्वामी प्रसाद मौर्य वो मुद्दे पकड़ते हैं तो जाहिर तौर पर उनकी पार्टी को उभरने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर उन तमाम मुद्दों को भूल कर पुराना वही इतिहास घिसा पिटा इतिहास मायावती दोहराने का प्रयास करेंगी तो जाहिर तौर पर उनको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से 432 प्रत्याशियों को उतारने के बाद किसी भी तरीके का कोई फायदा नहीं मिलता है, वही फायदा कहीं ना कहीं इस बार मुद्दा उठाने से उपचुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। हालांकि देखा जाए तो गाजियाबाद में आकाश आनंद रैली करते हैं, हरियाणा में 1 अगस्त को रैली करते हुए नजर आए थे, लेकिन अब उसका कितना असर देखने को मिलेगा इस बार के उपचुनाव में पता चल जाएगा। लेकिन हालांकि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो हो सकता है कि वो चंद्रशेखर आजाद का भी रुख कर सकते हैं। उनकी बेटी संगमित्रा मौर्य हैं, वो भी 2 बार बीजेपी से सांसद रह चुकी हैं। अगर उनको भी कोई जिम्मेदारी इस बार बीजेपी नहीं देगी तो शायद वो भी किसी पार्टी का रुख करते हुए नजर आए, वो मायावती की पार्टी होगी या चंद्रशेखर आजाद की पार्टी होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं आकाश आनंद और स्वामी प्रसाद मौर्य अगर दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलते हैं तो जाहिर तौर पर हो सकता है कि मायावती को इसका फायदा मिलता होगा जरूर नजर आएगा और चंद्रशेखर आजाद को शिकस्त मिलते हुए भी दिखाई दे सकती है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आगे किस तरीके के समीकरण बनेंगे, क्या मायावती फिर से इस बार कमबैक कर पाएंगे या नहीं। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।